दोस्तों आज हम यहाँ पे देखेंगे कि आपको अगर आपकी गाड़ी में एंड्रॉयड हेड यूनिट लगा हुआ है बट उसमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले का सपोर्ट नहीं है, और आपका एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले का सपोर्ट है बट एंड्रॉयड ऑटो के लिए वायरलेसली कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, तो वो कैसे करना है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि आपको सारे कुछ स्टेप्स पता चले। दोस्तों यहाँ पे एक एप्लीकेशन है जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं आपको लिंक इसमें दे दूंगा या फिर मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा गूगल या गूगल ड्राइव पे या कहीं पे, ठीक है। तो ये जो ऐप है हम यहाँ पे आज इंस्टॉल करेंगे, ये जो ऐप है वो हेड यूनिट रिलोडेड है वर्जन 6.3, तो ये इसको यहाँ पे हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो ये हम इंस्टॉल कर देंगे इसको। और आपको ये भी दिखा देता हूँ साथ ही में कि ये जो हेड यूनिट है उसमें एंड्रॉयड ऑटो का सपोर्ट नहीं है, ये 1 GB 16 GB का वर्जन है जहाँ पे हम ये इंस्टॉल करेंगे। ओके दोस्तों, तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, हम इसको अभी ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद थोड़े बहुत आपको एक्सेस के लिए परमिशंस अलाउ करने पड़ेंगे, ये सब हम अभी अलाउ कर देंगे। उसके बाद आपको रेजोल्यूशन का पूछेगा, तो ये जो रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है यहाँ पे मैं फुल यहाँ पे दे देता हूँ और स्टार्ट टेस्ट एक बार कर देता हूँ, ठीक है। आपको 2 सेकंड इसको ऐसे ही रखना है, जैसे ही आप रखोगे एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, तो वीडियो विजिबल है या नहीं, तो ये वीडियो विजिबल है, यस कर देना है बस इसको, और यहाँ पे डन क्लिक कर देना है। ये कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपका अगर ब्लूटूथ ऑलरेडी कनेक्टेड है तो उसको अनपेयर करके वापस कनेक्ट करो, ऐसा सब ऑप्शंस आप ये चीज़ आपको बताएगा, तो वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल में। और ये जो सेटिंग परमिशन है उसको भी हमको अलाउ करना पड़ेगा, तो उसका सेटिंग यहाँ पे, तो ये जैसे ही मैसेज आएगा आपको ये अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद सीधा आपको वापस यहाँ पे आ जाना है। अभी आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग में, सेटिंग में आप जैसे जाओगे कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी में आपको जाना है यूज़र यूज़ अ नेटिव जो एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस मेथड है उसको आपको डिसलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे लिसन फॉर इनकमिंग कनेक्शंस, बस इतना आपको कर देना है और ये कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर और कुछ नहीं करना है, ये बाहर निकल जाना है सीधा यहाँ से। अभी आपको आपका डिवाइस वायरलेसली कनेक्ट करना है, ठीक है, आपके मोबाइल के हॉटस्पॉट के साथ में। ब्लूटूथ भी आप मेक श्योर करना कि कनेक्टेड हो। देखिए ये हमारा डिवाइस कनेक्ट हो गया है हॉटस्पॉट के थ्रू, मैंने यहाँ पे मेरे डिवाइस में हॉटस्पॉट कनेक्ट किया और यहाँ पे वाईफाई से कनेक्ट कर लिया है। अभी वापस हम जाएंगे हेड यूनिट रिलोड में और ये कनेक्टिंग टू जो आईपी एड्रेस है उस। दोस्तों यहाँ पे सारे कुछ सेटिंग्स हमने कर लिए है, अभी सिर्फ हमें वाईफाई को प्रेस करना है, जो बटन यहाँ पे दिया गया है तो सीधा ये कनेक्ट हो जाएगा। बट उससे पहले एक चीज आपको करनी पड़ेगी, आपका जो मोबाइल है उसमें एंड्रॉयड ऑटो का सेटिंग आता है जिसमें से आपको जो सर्वर है उसको ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये वर्क करेगा। अभी आप देखोगे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा बट कनेक्टिंग लिख के आ रहा है बट वो कनेक्ट नहीं होगा, तो तब तक कनेक्ट नहीं होगा जब तक वो आप सेटिंग को ऑन नहीं करोगे। तो जो हेड यूनिट सर्वर है वो आपको एक बार ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये इसमें आपको कनेक्शन मिलेगा। तो पहले वो हम कनेक्शन कर लेते हैं मोबाइल में। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए, ये जो वर्जन है इसको आपको 10 बार क्लिक करना पड़ेगा एंड्रॉयड ऑटो जो ऐप है उसमें जाके आपको, तो ये जब 10 बार आप क्लिक करोगे तो मैं ऑलरेडी जो डेवलपर मेनू है वो मैंने ऑन करके रखा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये प्रोसेस कर दिया है। यहाँ पे जो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये 3 डॉट्स पे जाके आपको स्टार्ट हेड यूनिट सर्वर ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये करना है। ये जैसे ही आप कर दोगे स्टार्ट हेड यूनिट सर्वर, आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर आपको सिर्फ जाना है अपने डिवाइस पे जहाँ पे वाईफाई को आपको क्लिक करना है। अभी हम जाएंगे इस पे ऐप्स में जो हमने ऐप इंस्टॉल किया हेड यूनिट रिलोडेड, और ये देखिए दोस्तों ये कनेक्ट हो गया। सो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो काफ़ी स्मूथ इंटरफेस मिल रहा है यहाँ पे और यूज़ करने में भी काफ़ी आपको मज़ा आएगा। और ये आप देखोगे यहाँ पे इतने ऐप्स हैं जो इसमें आपको दिखाएंगे जब आप एंड्रॉयड ऑटो रन करोगे, तो
बाकी जो कुछ भी ऑप्शंस है यहाँ पे, जो वॉइस असिस्टेंस का जो नोटिफिकेशन आ रहा है, वो सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो जो लोग जेड लिंक वाला या फिर एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट नहीं है, उनको अगर इंस्टॉल करना है तो ये यूज़ करके आप इंस्टॉल कर सकते हो, जिसमें वायरलेस सपोर्ट भी ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कोई भी जो YouTube म्यूजिक से गाना है वो प्ले कर सकता हूँ, तो काफ़ी अच्छा है। आपका बैटरी परसेंटेज वगैरह जो टाइम है वो सब यहाँ पे दिखाता है, और स्मूथ इंटरफेस है आप देखोगे यहाँ पे। और भी दोस्तों इसमें काफ़ी सारे सेटिंग्स हैं जो आपको ऑन करने पड़ेंगे ताकि आपको स्मूथ इंटरफेस देखने को मिले, तो वो सेटिंग्स हम यहाँ पे ऑन करेंगे। जैसे कि ये सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स के बाद आपको ग्राफिक्स में जाना है। ग्राफिक्स में आपको रेजोल्यूशन मिलेगा, तो हमने 1920x1080 पे उसको सेट किया हुआ है। फिर रेंडर सरफेस में आपको सरफेस व्यू लगाना है, क्योंकि मैंने GLES 2.0 व्यू वाला किया था, बट उसमें रिजल्ट मुझे अच्छा नहीं मिला, तो सरफेस व्यू आप सिलेक्ट कर लेना, पॉसिबली आपको उसमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पिक्सल डेंसिटी है वो एज इट इज़ रखना, मैंने जो 230 पे सेट करके रखा है वो जो बाय डिफॉल्ट है वही, तो उसमें मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आपको भी सेम सेटिंग आपको सेव करना है। आप राइट हैंड ड्राइव करना चाह राइट हैंड ड्राइव आप पर रहेगा, तो उस हिसाब से आप वो सेट कर सकते हो। जो म्यूज़िक का आपको लेफ्ट हैंड पे दिखा रहा था वो अगर आप ये बंद कर दोगे तो वो आपको राइट हैंड पे दिखाएगा। तो ये सारे कुछ सेटिंग्स है वो आप देख लो, इस तरीके से आप एक बार सेट कर लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए जो एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस चलाने के टाइम पे। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये काफ़ी सारे ऐप है, मैंने एक और एक थर्ड पार्टी ऐप इसमें डाल के रखा है यूट्यूब के लिए। अगर आपको साइड बाय साइड यूट्यूब भी देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैं ये प्ले करूँगा तो ये आपको YouTube के वीडियोस भी दिखाएगा। ठीक है, फिर आपको ऐसा है कि चलो वीडियो नहीं देखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ गाने सुनने, तो यहाँ पे आप प्ले करके गाने सुन सकते हो। और आपके जो यहाँ पे सेटिंग्स दिए गए हैं यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, गाना भी कोई भी चेंज करना है तो वो अपने हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे ये चेंज हो